नमस्कार, मैं प्रिया, धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चले जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। भारत में कोविड 19 के ताजा आंकड़े केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी कर दिए गए हैं। शनिवार को ताजा अपडेट के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे की अवधि में 7,992 नए कोरोना वायरस के मामले दर्ज किए गए। इसके साथ ही देश में कोविड 19 मामलों की कुल संख्या 3,46,82,736 हो गई है, जबकि एक्टिव केस घटकर 93,277 हो गया है। बताया गया है कि पिछले 559 दिनों में सक्रिय केस सबसे कम है। किसान आंदोलन की समाप्ति की घोषणा करने और 11 दिसंबर को प्रदर्शन स्थल को औपचारिक रूप से खाली करने के बाद प्रदर्शनकारी किसान अब गाजीपुर बॉर्डर समेत सभी प्रदर्शन स्थल खाली करके वापस लौटने लगे हैं। लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन की अगुवाई कर रहे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत अभी लौटने के मूड में नहीं है। राकेश टिकैत ने शनिवार को बताया कि आज से किसान अपने अपने घर जा रहे हैं, लेकिन हम 15 दिसंबर को घर जाएंगे क्योंकि देश में हजारों धरने चल रहे हैं। हम पहले उन्हें समाप्त करवाएंगे और उन्हें घर वापस भेजेंगे। नए कोविड 19 वेरिएंट ओमिक्रॉन के प्रसार पर बढ़ती चिंताओं के बीच महाराष्ट्र सरकार एक बार फिर सक्रिय हो गई है और एहतियातन मुंबई में रैलियों और भीड़ ना लगाए जाने को लेकर एक्शन ले रही है। मुंबई में बड़ी सभाओं को रोकने के लिए 11 और 12 दिसंबर के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू की गई है, जिसमें रैलियां, मोर्चा, जुलूसों आदि पर रोक लगा दी गई है। आदेश का उल्लंघन करने वालों को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडित किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा किसान आंदोलन को स्थगित करने के ऐलान के बाद दिल्ली एनसीआर के चारों बॉर्डर से शनिवार से प्रदर्शनकारियों की आधिकारिक वापसी शुरू हो गई है। शनिवार सुबह से ही किसान प्रदर्शनकारियों की गाड़ियों के काफिले निकल रहे हैं। बता दें कि दिल्ली एनसीआर के चारों बॉर्डर सिंघू, शाहजहांपुर, टीकरी और गाजीपुर से किसानों की वापसी शुरू हो गई है, लेकिन यहां पर यातायात सामान्य होने से अभी 1-2 दिन से लेकर सप्ताह भर का समय लग सकता है। बता दें कि किसानों द्वारा शनिवार को विजय रैली के बाद आंदोलन स्थल खाली किए जाएंगे। जूते चप्पल के खुदरा विक्रेता मेट्रो ब्रांड्स लिमिटेड के आरंभिक सार्वजनिक निगम को पेशकश के पहले दिन शुक्रवार को 27% सब्सक्रिप्शन मिला। जाने माने निवेशक राकेश झुनझुनवाला के हिस्सेदारी वाले इस कंपनी ने एक दिन पहले एंकर निवेशकों से 410 करोड़ रुपए जुटाए थे। बीएसई में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार आईपीओ के तहत लाए गए 1,91,45,070 शेयरों के मुकाबले 51,06,330 शेयरों के लिए बोलियां आई है। यह कुल शेयर का 27% है। खुदरा निवेशकों की श्रेणी में 52%, जबकि गैर संस्थागत निवेशकों की श्रेणी में 2% सब्सक्रिप्शन मिला। भारत माता तेरी कसम तेरे रक्षक बनेंगे हम IMA गीत पर कदम ताल करते जेंटलमैन कैडेट ड्रिल स्क्वायर पर पहुंचे तो लगा कि विशाल सागर उमड़ आया है। एक साथ उठते कदम और गर्व से तने सीने दर्शक दीर्घा में बैठे हर एक शख्स के भीतर ऊर्जा का संचार कर रहे थे। आज भारतीय सैन्य अकेडमी में अंतिम पग भरते ही 319 जवान भारतीय सेना का हिस्सा बन गए हैं। इसके साथ ही 68 विदेशी कैडेट भी पास आउट हुए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने परेड की सलामी ली। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट का दूसरा मामला सामने आया है। ओमिक्रॉन से संक्रमित इस मरीज को लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यह व्यक्ति जिम्बाब्वे से आया था और इसने साउथ अफ्रीका की भी यात्रा की थी दिल्ली सरकार द्वारा। अब उसके संपर्क में आए लोगों को भी ट्रेस किया जा रहा है। मरीज को कोविड टीके की दोनों डोज भी लग चुकी है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि दिल्ली एनसीआर वाले राज्यों में 40 उड़न दस्तों द्वारा कारखानों और निर्माण स्थल सहित कुल 1534 स्थलों का निरीक्षण किया गया है और 228 स्थलों को बंद करने का नोटिस जारी किया गया है, जबकि उनमें से 111 को बंद कर दिया गया है ताकि वायु प्रदूषण के स्तर पर अंकुश लगाया जा सके। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने शनिवार को कोरोना महामारी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कोरोना से निपटने की उनकी नीति पर सवाल उठाया। सुरजेवाला ने एक हिंदी न्यूज आर्टिकल को शेयर किया है। उसमें बताया गया है कि भारत में वैक्सीनेशन की दर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के आने के बाद से 8.5% की गिरावट आई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी गौतम राघवान को पदोन्नत करते हुए उन्हें व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति के कार्मिकों के कार्यालय का प्रमुख बनाया है। बाइडेन के राघवन को पदोन्नत करने की घोषणा से पहले संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटारेस ने व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति के कार्मिक के कार्यालय की निदेशक कैथी रसेल को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की अगली कार्यकारी निदेशक नियुक्त करने के इरादे की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सरयू राप्ती मुख्य नहर परियोजना का लोकार्पण किया। इस दौरान मोदी ने 5 नदी और 9 जनपदों को जोड़ने वाली इस राष्ट्रीय परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया। इसका काम 1971 में शुरू किया गया था, लेकिन इसको अंजाम तक लाने का काम उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया है। गोंडा सहित 9 जिलों के किसानों के लिए यह परियोजना एक वरदान साबित होगी। जिले में 808 किलोमीटर लंबी इस नहर योजना से किसानों को महंगी सिंचाई की परेशानी से प्रभावी तौर पर छुटकारा मिलेगा।
पिनाका रॉकेट लॉन्चर प्रणाली की क्षमता को बढ़ाते हुए डीआरडीओ ने शनिवार को विस्तारित रेंज पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का पोखरण रेंज में सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस सिस्टम का डिजाइन डीआरडीओ प्रयोगशाला में तैयार किया गया। इस रॉकेट सिस्टम को पुणे स्थित आयुध अनुसंधान एवं विकास स्थापना और उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला दोनों ने मिलकर बनाया है। सफल परीक्षण के बाद इसे सेना में शामिल कर लिया गया है। ईआर पिनाका पिछले एक दशक से सेना में सेवा दे रही पिनाका का उन्नत संस्करण है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 3 दिसंबर को समाप्त सप्ताह में 1.783 अरब डॉलर घटकर 635.905 अरब डॉलर रहा। भारतीय रिजर्व बैंक के शुक्रवार को जारी आंकड़े के अनुसार इससे पिछले सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 271.3 करोड़ डॉलर घटकर 637.687 अरब डॉलर रह गया था। चीन ने कोविड के खिलाफ अपनी पहली एंटीबॉडी कॉकटेल थेरेपी को आपातकालीन मंजूरी दे दी है, जो उच्च जोखिम वाले कोविड 19 रोगियों में अस्पताल में भर्ती होने या जान गंवाने के जोखिम को 80% तक कम करने में प्रभावी साबित हुई है। ग्लोबल टाइम्स ने बताया है कि कंपनी ने अक्टूबर में राष्ट्रीय चिकित्सा उत्पाद प्रशासन को एक आवेदन प्रस्तुत किया और इस सप्ताह चीन के शीर्ष दवा नियामक से आपातकालीन स्वीकृति प्राप्त की है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पार्टी पर फिर जुबानी हमला किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के बिना भी भारत में विपक्ष संभव है। पीके ने कांग्रेस को सलाह देते हुए कहा कि अगर पार्टी को बचाना है तो गांधी परिवार से बाहर के किसी नेता को लोकतांत्रिक तरीके से अध्यक्ष चुने। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए यह भी कहा कि एक ट्वीट और कैंडल मार्च के जरिए आप भाजपा को हरा नहीं सकते हैं। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से पंगा लेना एक आईपीएस अधिकारी को महंगा पड़ गया। मद्रास हाईकोर्ट ने 100 करोड़ मानहानि मामले में अधिकारी की याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका दायर कर आईपीएस अधिकारी ने मानहानि मामले को रद्द करने का अनुरोध किया था। न्यायमूर्ति एन श्रेयसाई ने कहा है कि इस स्तर पर कोई भी आदेश निश्चित रूप से 2014 से लंबित मुख्य मामले की प्रगति को प्रभावित करेगा। इसके साथ ही उन्होंने कुमार की याचिका खारिज की है। मध्य प्रदेश का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया दौड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में ये इसलिए वायरल भी हो रहा है क्योंकि इसमें उनके साथ दौड़ लगा रहे नेताजी गिरते दिख रहे हैं। गत गुरुवार को 3 दिवसीय प्रवास पर गृहनगर आए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उम्मीद जताई है कि यह स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से लैस होकर दिसंबर 2022 में तैयार कर दिया जाएगा। जनवरी 2023 में पहला मैच खेला जा सकता है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को राज्यसभा में बताया कि तिरुवनंतपुरम कासरगोद सेमी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट केरल सरकार और रेलवे की साझेदारी से तैयार किया जाएगा। केरल के तिरुवनंतपुरम से कासरगोद तक यह सेमी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट 531 किलोमीटर लंबा है। केरल रेल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इस परियोजना का क्रियान्वयन के लिए चयन किया है। ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट टेबल में लंबी छलांग लगाई है और वो सीधे दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। टीम ने यहां भारत और पाकिस्तान जैसी दिग्गज टीमों को पछाड़ दिया है। इस पॉइंट टेबल में श्रीलंका सबसे ऊपर है क्योंकि उसका परसेंटेज ऑफ पॉइंट संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया का भी परसेंटेज ऑफ पॉइंट श्रीलंका के ही बराबर है, लेकिन उसके पॉइंट्स कम है। भारत के अब भी सबसे ज्यादा 42 पॉइंट्स है, लेकिन वो चौथे नंबर पर है। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। भारत में अब तक 33 लोग इस वेरिएंट से संक्रमित हो चुके हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में वैज्ञानिक अभी जानकारी जमा करने में जुटे हैं। इस बीच विशेषज्ञों का मानना है कि हाई सीरो पॉजिटिविटी रेट के कारण ठीक रहने की संभावना ज्यादा है। विशेषज्ञों ने टीकाकरण और कोविड गाइडलाइंस पालन करने की सलाह दी है। पटना में अन्य शहरों से आने वाले विमानों की लेट लतीफी से 650 से ज्यादा यात्री बेदम रहे। सुबह में पटना एयरपोर्ट के रनवे पर 800 मीटर की दृश्यता थी और 8 बजे 1000 मीटर हो गई। सबसे ज्यादा मुंबई रूट के विमानों की लेट लतीफी रही। शुक्रवार को भी 4 विमानों की भारी लेट लतीफी ने यात्रियों को काफी परेशान किया। नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए बेहद जरूरी है कि हम लापरवाही ना बरतें। दुनिया के कुछ देशों में लापरवाही का परिणाम दिख चुका है, इसलिए हमें अभी से सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने देश में कोरोना और ओमिक्रॉन की स्थिति की जानकारी देते हुए कहा कि हमें यह याद रखना होगा कि कोरोना की वैक्सीन और मास्क दोनों ही महत्वपूर्ण है। हमें कोरोना की वैश्विक स्थिति से सीखना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संघीय सरकार के कर्ज सीमा बढ़ाने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए एक बिल पर हस्ताक्षर किया है। बाइडेन ने ट्विटर पर कहा है कि देश का पूर्ण विश्वास और श्रेय हमेशा एक जिम्मेदारी रही है। इस कानून के समर्थन से पता चलता है कि नेताओं के लिए काम करना अभी आसान है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार ये बिल इस सप्ताह के शुरू में कांग्रेस के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया गया है और डेमोक्रेट्स के लिए दूसरे बिल में ऋण सीमा को साधारण बहुमत से बढ़ाने के लिए एक प्रक्रिया स्थापित करेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी की अकेडमिक परिषद ने शुक्रवार को अगले अकेडमिक सेशन में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट शुरू करने की मंजूरी दे दी है। बता दें कि अकेडमिक काउंसलिंग की बैठक में कुछ सदस्यों ने इसका विरोध भी किया, बावजूद इसके प्रस्तावित पारित कर दिया गया है। इसके मुद्दे पर अब 17 दिसंबर को होने वाली कार्यकारी परिषद की बैठक में चर्चा की जाएगी।
सरयू नहर के जरिए योगी सरकार पूर्वांचल के 9 जिले बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर और महाराजगंज के लाखों किसानों को एक बड़ा उपहार देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बलरामपुर से सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का लोकार्पण करते देखे गए। खास बात यह है कि यह परियोजना 44 सालों के बाद पूरी हो रही है। इसका ज्यादातर काम योगी के कार्यकाल में हुआ है। इससे पूर्वांचल के संबंधित जिलों के करीब 50 लाख किसानों को लाभ होगा। जूम कॉल पर 900 कर्मचारियों की छुट्टी करने वाले Better.com के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल गर्ग को तत्काल प्रभाव से छुट्टी पर भेज दिया गया है। अमेरिका के डिजिटल मॉर्गेज कंपनी के बोर्ड के ईमेल के हवाले से यह जानकारी मिली है। इस हफ्ते की शुरुआत में गर्ग ने जूम कॉल के जरिए 900 लोगों को नौकरी से निकाल दिया था। उनका वीडियो वायरल हो गया था। छुट्टी के तरीके को लेकर आलोचना होने के बाद गर्ग ने माफी मांगी थी। जहां एक ओर भारत में लोग महंगाई की मार से परेशान है, तो अमेरिका के लोगों का भी बुरा हाल है। हाल ये है कि देश में मुद्रास्फीति रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रही है और यह साल 1982 के बाद एक बार फिर से 6.8% के स्तर पर पहुंच गई है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिकी मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी की मुख्य वजह दरअसल आपूर्ति श्रृंखला में रुकावटें और कमी है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ विधायकों को दिल्ली तलब किया है। बताया जा रहा है कि इन विधायकों को संगठन और उत्तर प्रदेश को लेकर बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। नेपाल के सर्लाही जिले में 9 दिसंबर को भारतीय अनुदान के सहायता से बने 2 नए स्कूल का उद्घाटन किया गया है। भारतीय दूतावास के अनुसार बाल गोविंदा जनता हायर सेकेंडरी स्कूल पिपरिया काबिलासी 2 और श्री जनता सेकेंडरी स्कूल नेत्रगंज लालबंदी 1 में स्कूलों का उद्घाटन किया गया है। दूतावास ने यह भी बताया है कि स्कूलों को भारत सरकार द्वारा अनुदान सहायता में क्रमशः 6.94 मिलियन और 15.94 मिलियन की कीमत से बनाया गया है। भारत के स्थायी मिशन के सलाहकार प्रतीक माथुर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में सीरिया में रासायनिक हथियार के इस्तेमाल का मुद्दा उठाते देखे गए। उन्होंने कहा है कि भारत बार बार आतंकी गतिविधियों का समर्थन करने वाली संस्थाओं और कुछ लोगों द्वारा रासायनिक हथियारों तक पहुंच प्राप्त करने की कोशिश के प्रति आगाह करता है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है आर्यन राज, मिस्टर अजय यादव ऑफिशियल, मिस्टर इंद्रदेव कुमार, संतोष कुमार, संतोष यादव, अभय कुमार शाह, बच्चन मंडल, सिंगर दुर्गानंद, अशोक कुमार, छोटू कुमार, रामसागर पंडित। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कोरोना के रोकथाम के लिए केंद्र सरकार की तरफ से उठाए गए कदम से आप संतुष्ट है या नहीं? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।